जो नमाजें छूट गई उन नमाजों के छूट जाने पर अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी है, लेकिन नेकी के काम इन्नल हसनाता युज़हिबनस सय्यिआत, यकीनन नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं। तो चूंकि तरके सलात के साथ तो इंसान मोमिन ही नहीं रहता, इस वजह से नमाजों को दोबारा कजा अदा करना और पूरी कजा अदा करने की कोशिश करना ये इंसान के बस की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई तरीका नहीं बताया जिसमें कजा नमाजों को इस तरह से पाबंदी के साथ अदा किया जाए। उसका जो तरीका हमें मिलता है वो इतना कि जब सफवान बिन मुअत्तल अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की थी, जिस वक्त उसने कहा कि कोई ढोल ताशे भी पीट ले इस फजर की नमाज में तो हमारी आंख खुल ही नहीं सकती, खानदानी मर्ज है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जब तुम उठो तो नमाज अदा कर लिया करो। ये बात सभी के लिए नहीं है जो आज के दौर में लेट उठते हैं, ये तो एक ऐसा प्रॉब्लम था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकियों का प्रॉब्लम करार नहीं दिया था, हालांकि बाकी लोग भी मुमकिन है कि लेट उठना चाहते हो, लेकिन महज लेट उठने की ख्वाहिश रखते हुए एक इंसान नमाज फजर छोड़ नहीं सकता। इससे जो चीज हमें पता चलती है कि जितना ज्यादा इंसान नेक काम करने की कोशिश कर सकता है उसे करने का इरादा करना चाहिए, अज़्म करना चाहिए, और अगर वो मर जाए और वो अपने सारे फराइज अदा ना कर पाए तो अल्लाह की रहमत वसी है, वो रहीम और वदूद है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार जो की अल्लाह ताला माफ करने वाला है।